48वें अखिल भारतीय स्वेशन स्मृति गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एचडीएफसी पठानकोट पंजाब ने ट्राई बेकर में डाउनटाउन हीरोज कश्मीर को 5-4 से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चर्च कॉलरी में आयोजित इस टूर्नामेंट में देश की 15 टीमें शामिल हुई जिन्होंने अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर प्रशासन और पुलिस के प्रमुख अधिकारियों के अलावा एसएसएल प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। अखिल भारतीय स्वेशन स्मृति गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता महाजन स्टेडियम चर्चा कॉलरी में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और वर्तमान में बैकुंठपुर के विधायक भैयालाल राजवाड़े सहित कलेक्टर एसपी और एसईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक ने महाजन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ खेल का शुभारंभ किया। लीग मैच में जीत दर्ज करने के साथ कश्मीर और पठानकोट पंजाब की टीम फाइनल में पहुंची। इस मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक चर्चा कॉलरी के स्टेडियम में पहुंचे हुए थे। यह मैच काफी रोमांचक रहा जिसका अंतिम परिणाम ट्राई ब्रेकर के माध्यम से किया गया। पंजाब के पठानकोट की टीम ने इस मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि यहां पर खेल महोत्सव के रूप में अपनाया जा रहा है क्योंकि चर्चा में आयोजित इस फुटबॉल खेल से गांव ही नहीं बल्कि प्रदेश तक में फुटबॉल खेल को मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ में फुटबॉल को जिंदा रखने वाला चर्चा कॉलरी है और चर्चा कॉलरी का देन है कि आसपास के जितने गांव हैं उन ग्राउंडों में गाँव में खेल होता है वो फुटबॉल का होता है। ये लोग फुटबॉल का खेल को गांव वाले जीवित रखे हैं और चर्चा जीवित रखा है। कलेक्टर विनय लंगे ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एसईसीएल व जिला प्रशासन संयुक्त रूप से प्रयास करेगा। यहां पर दिल्ली कश्मीर पंजाब की टीम का आना सुखद एहसास कराता है। कश्मीर और इसके पहले बाकी टीम्स ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, खेल भावना के साथ पूरा मैच खेली है और यहाँ पे जो फुटबॉल के प्रति रुचि है यहाँ के लोगों ने दिखाई भी है और आज वहाँ काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पे दर्शक उपस्थित है और काफ़ी उत्साहित है इस पूरे मैच को लेकर। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने कहा कि लोगों को खेल को अपना अंग बनाने के साथ साथ नशा मुक्त समाज बनाने में खेल के महत्व को समझना समय की मांग है। व्यक्ति खेल में हिस्सा लेता है तो उसके अंदर इच्छा जागृत होती है कि वो स्वस्थ भी रहे और कहीं ना कहीं नशे से दूर होता है और नशा करने से हर प्रकार की परेशानियां होती है, हम सभी को जानकारी है। और खेल एक जरिया हो सकता है कि लोगों को नशे से दूर कर सके। समापन समारोह के अध्यक्ष एसईसीएल बैकुंठपुर के महाप्रबंधक बीएन झा ने बताया कि व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें फुटबॉल खेल भी एक बड़ा माध्यम है। जो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के समाज में लोगों में ऊर्जा भरना, उनका बौद्धिक शैक्षणिक और शारीरिक विकास करना ताकि देश विकास करे। हमारा सतत प्रयास रहता है कि हम कोयला ही नहीं निकालें अपितु समाज का सर्वांगीण विकास करें। उसी के तहत में एसईसीएल हर तरह का खेल का आयोजन करती है, इंटरनल भी करती है और एक्सटर्नल भी करती है। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर ए के विराजी ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर के इस टूर्नामेंट में देश के 15 राज्यों की चुनिंदा टीमों को फीफा के नियम के अंतर्गत एंट्री दी गई थी। जो भी टीम रजिस्टर्ड होगी उस स्टेट से सारे प्लेयर रजिस्टर्ड होंगे वही हमारे इस टूर्नामेंट में भाग ले पाएंगे, नहीं तो यहाँ से आने के बाद भी वापस होना पड़ा है क्योंकि उनको स्टेट एनओसी लेके आना पड़ता है और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो उसको स्टेट एनओसी मिलेगा नहीं। और हमारे यहाँ पर जो रेफरी आते हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं रेफरी बोर्ड के द्वारा नियुक्त किया गया है वो उनको खेलने नहीं देंगे प्रतियोगिता में, इसलिए ये काफ़ी यहाँ पर खेलना कोई मतलब आसान नहीं है। सब टीम यहाँ खेल भी नहीं पाएंगी, जो टीम फीफा रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है वही टीम यहाँ पर खेल पाती है। गोल्ड कप विजेता एसटीएफसी पठानकोट पंजाब के कप्तान ने आयोजन की प्रशंसा की। इट्स आवर फर्स्ट टाइम वी आर हियर टू पार्टिसिपेट, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, क्राउड भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे एंड वी आर हैप्पी टू विन। हमारा पहली बार था तो हमने जीता, अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी खुश है। ये ग्राउंड और ये फील्ड कैसा लगा? बहुत अच्छा फील्ड है, फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के दर्शक इकट्ठे हुए जिनकी मौजूदगी में अतिथियों के द्वारा विजेता और उप विजेता टीम के अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।